Hi party very warm welcome to the channel. This is your English educator shifra Mishra and I hope you guys are doing fine. Bar mujhe jaldi se bata denge if I'm audible as well as visible. हेलो जी हाय हाय हाउ यू कौन कौन है क्लास में हाय स्वाति गुड मॉर्निंग हाय विनीता हाय मोहित हाय मोहित हाय आदित्य आदित्य जुनून का टाइमिंग टेन थर्टी है बिकॉज टॉपर सीरीज भी चल रहा था ना इतने दिन और आज भी टॉपर सीरीज में लिटरेचर सेक्शन में एम सी क्यूज करने वाले हैं आज टॉपर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो तो जुनून का टाइमिंग शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको टाइमिंग से इश्यू है तो और हाय हाई शिल्पी हाय रुद्रम लॉन्ग टाइम कहाँ थे आप हाय कुणाल हाय शिवा हाय खुशी हाय अभिषेक कैसे हो रिंकी हाय अर्नव राधे राधे हाय प्राची मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो हाय इंशा हाउ आर यू व्हाट्स अप कैसे हो क्या हाल है हेलो प्रिशा नमस्ते क्या हाल है ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हाय पवन हाउ आर यू हाय अरमान हाय आकांक्षा हाय विनीता ऑल राइट आज हम डीप वाटर करने वाले हैं यार जुनून सीरीज के अंदर हम द लास्ट लेसन कर चुके हैं लॉस स्प्रिंग कर चुके हैं रैट ट्रैप कर चुके हैं आज डीप वाटर कर देंगे तो आधा फ्लेमिंगो का प्रोस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा है ना और उधर विस्तार में से द थर्ड लेवल करे हुए हैं तो दो चैप्टर अब नेक्स्ट उसमें खेचने हैं तो आधा उसका भी हो जाना है कोशिश मेरी यही है कि जुनून के अंदर आपको बाई दिस मंथ कोशिश करके सब कुछ मैक्सिमम जो भी हो सकता है सारा सब कुछ कंप्लीट करा दूं ताकि आपके पास पे फास्ट ट्रैक के लिए अच्छा खासा टाइम बच जाए ओके okay. मैम जी मेन एग्जाम आने वाला है उसकी प्रेपरी अच्छा 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 ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट राधे राधे अभिषेक हाई प्राची मैम जैसे एडिशनल पेपर सी बी एस ई का आया है वैसे ही पैटर्न रहेगा ना बोर्ड में हंड्रेड परसेंट सो बोर्ड का पैटर्न जो सी बी एस ई सैम्पल पेपर और सीबीएसई एडिशनल पेपर है वही रहेगा वही वो फॉलो कर रहे हैं मैंने आपके लिए ना बोर्ड के पैटर्न के जो चेंजेस हैं उनको लिस्ट कर दिया है क्या हो रहा था ना जैसे अभी सब लोग ही ये फील कर रहे हैं पूरा कम्युनिटी हमारा ये फील कर रहा है सारे इंग्लिश टीचर्स ये फील कर रहे हैं कि आप लोग इंग्लिश को लेकर उतने सीरियस नहीं हो तो बहुत सारे चेंजेस जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने भी वो चेंजेस जो है वो आपके लिए लिस्ट कर दिए हैं जस्ट इन केस आपको ये नहीं पता है कि यार आ, पहले के पेपर में और अब के पेपर में क्या डिफरेंस है क्या होता है पीवाई क्यूज सॉल्व करते करते इंसान को ये लगने लग जाता है कि बस अब अब तो मेरा सॉर्ट हो गया क्योंकि मेरे को क्या करना है ये जो पीवाई क्यूज है इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे बट सीबीएसई पिछले चार सालों से हर साल लेवल इंक्रीज करे जा रहा है मैम पी मैम मैम सीयूईटी टी का क्या सीन है अच्छा 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 सो so, सी का ये सीन है कि एक बार आपको बोर्ड थोड़ा ऐसे एक बार थोड़ा आपका बोर्ड को एकदम बढ़िया आग लगा दे <laughs> तो उसके बाद में सीयूईटी टी में आग लगाएंगे और क्या यही सीन है अच्छा मैं आपको बता देती हूँ जस्ट इन केस आपने आज ज्वाइन किया है कोई दिक्कत नहीं है लेट मी टेल यू कि आपको यहाँ पर इंग्लिश की बहुत सारी प्ले मिल जाएंगी आपको आवाज थोड़ा तेज कर लीजिए मेरे पास में यहाँ पर ठीक आ रही है जस्ट इन केस नहीं आ रही है तो लो तो यार मैंने आपको ना यहाँ पर चैनल पे आपके लिए बहुत सारे वन शॉर्ट एकदम तैयार हैं तो वन शॉर्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो ठीक है मैंने यहाँ पर आपको पीवाई क्यूज जो है ना एक्सट्रैक्ट बेस वो एक्सट्रैक्ट बेस पीवाई क्यूज भी करवाए हुए हैं तो आप एक बार वो भी चेक कर सकते हो आ, मैंने आंसर राइटिंग की भी एक सीरीज लगाई हुई है तो आंसर राइटिंग आप एक बार देख सकते हो ठीक है इन एडिशन टू दैट मैंने 10 डेज प्लेज के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हो टॉपर सीरीज टॉपर सीरीज के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है आपका राइटिंग सेक्शन डिटेल के अंदर तो टॉपर सीरीज देख सकते हो ब्रह्मास्त्र चल रहा है जिसके अंदर प्रिडिक्टर पेपर यानी सैंपल पेपर्स करवा रही हूँ तो वो कर सकते हो ठीक है और अभी एक सीरीज और आपके लिए लेकर आने वाली हूँ वो मैं आपको बता दूंगी इन एडिशन टू ऑल दिस अभी लाइव एक मिनट जुनून सीरीज ये वाली चल रही है जिसमें एनसीआरटी हाईलाइट चल रहे हैं तो ये भी आपने देख लेना है और अब लास्ट में आपके पास में एक सीरीज और मैं लेके आऊंगी उसके बाद में आपके पास में सारा सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी बच्चे नए हैं ये सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ठीक है, है ना और राइट तो आज हम डीप वाटर कंप्लीट करेंगे डीप वाटर विलियम डगलस ने लिखा है तो जल्दी से विलियम और डगलस ओपी कर दीजिए William o. Douglas हमारे ऑथर है इस चैप्टर के इस चैप्टर चैप्टर के के भी भी हैं हैं और इस के भी है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो समझ जाना कि जो राइटअप है वो ऑटोबायोग्राफिकल है विलियम ओ डगलस ने अपनी कहानी खुद लिखी है ठीक है तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट है एक्चुअली उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटन में जिक्र किया था अपने बचपन के एक ऐसे इंसिडेंट का जिसने उनकी जिंदगी बदल दी एक ऐसा इंसिडेंट जिसके चलते यू नो उनको आ, एक यू नो एक रिलीफ मिला डर से उन्हें ताकत मिली डर से लड़ने की और वही इंसिडेंट्स जो है हमारे साथ में यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है डीप वाटर में तो डीप वाटर एक्चुअली एक एक्सर्प्ट है एक हिस्सा है ऑफ मैन एंड माउंटेंस का ठीक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का ये एक हिस्सा है आपको ये बता देती हूँ कि विलियम और, और डगलस का पॉलिटिकल uh, या मैं कह सकती हूँ लेजिस्लेटिव इंक्लिनेशन भी है ठीक है यहाँ पर आप देखोगे कि <coughs> He was one of the youngest justices appointed uh, to the Supreme Court of USA. इसके साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि Supreme Court of USA में इनका सबसे बड़ा टर्म रहा है longest serving judge ये रह चुके हैं ठीक है और इनका निधन 1980 में हो गया था सो विलियम एंड मैं बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर इतना ही आपको इस चैप्टर में याद रखना है चलो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं और एन टी हाईलाइट शुरू करते हैं ओके okay जी सो so, चैप्टर की शुरुआत होती है जब यहाँ पर हमें इट से इट से यू uh, नो you know, एक uh, कह सकते हैं ना आमना सामना करा दिया जाता है अब यहाँ पे सवाल उठ सकता है क्वेश्चन बन सकता है ये इट क्या है ये इट यहाँ पर मिस एडवेंचर है वो बताना चाहते हैं एक किस्से को हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि वो किस्सा जो है वो तब हुआ था ठीक है तो उन्होंने कहा इट हैपन वेन आई वु टेन और इलेवन ईयर्स ओल्ड वो दस या ग्यारह साल के रहे होंगे तब उनके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ एक्चुअली उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग करेंगे और स्विमिंग के लिए उन्होंने एक पूल देखा था वाईएमसीए पूल सी ए जो कि याकिमा नाम के शहर में स्थित था याकिमा नाम की जगह में स्थित था उन्हें लगा यार ये एकदम बढ़िया पूल है यहां पर मैं स्विमिंग कर सकता हूँ उन्होंने याकिमा रिवर को इसके लिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि याकिमा रिवर ट्रेचरस थी यानी डेंजरस थी इसीलिए उन्होंने वाई सी ए का चुनाव किया अब बार 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 उनकी मम्मी ना याकिमा रिवर को लेकर उन्हें चेतावनियां देती रहती थी वो हमेशा बताती रहती थी कि किस तरीके से याकिमा रिवर इतनी डेंजरस है कि इतने सारे लोग वहां डूब गए हैं पर वाईएमसीए पुल को लेकर ऐसी कोई बात ही नहीं थी वाईएमसीए पुल बहुत ही ज्यादा सेफ था वो दो या तीन फीट डीप था शैलो एंड पे इनफैक्ट वो नाइन फीट डीप था उसके दूसरे एंड पे ड्रॉप भी ग्रेजुअल था यानी कि कुछ भी हो जाए ये पूल उनको उतना ज्यादा मैं कह सकती हूँ उतना ज्यादा डेंजरस नहीं लगने वाला है जितनी शायद याकिमा रिवर थी आप सोचो ना दो या तीन फीट अगर शैलो एंड पे है तो दस ग्यारह साल का बच्चा उसमें कैसे ही डूब जाएगा इसीलिए वो कॉन्फिडेंस से एक पेयर ऑफ वॉटर विंग्स लेकर आए और पूल पर चले गए उन्हें ना बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी नेकेड पूल के अंदर जाने के लिए क्योंकि उन्हें उनकी पतली टांगे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे बट उन्होंने अपना प्राइड अपना स्वाभिमान साइड में रखा और वो स्विमिंग करने लग गए अब देखो यार शुरुआत से ही वो बताते हैं कि मेरे को पानी को पानी लेकर एक अवर्जन है अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक एक रिपल्जन हेट करना पसंद ना करना डर लगना तो बोला कि शुरुआत से ही मुझे पानी को लेकर एक अवर्जन है मैं जब भी पानी में जाता था तब तक मुझे डर लगता था मैं पानी को पसंद नहीं करता था असल में बात यह है कि अवर्जन तब बिल्ड हुआ जब मैं तीन या चार साल का था मैं मेरे पिता के साथ में कैलिफोर्निया में एक बीच पर गया था हम दोनों सर्फ पर खड़े थे और मैं उनके पीछे हूँ टंगा हुआ था इतने में एक बहुत बड़ी वेव आई और उसने मुझे नीचे गिरा दिया मैं उस वेव में पूरी तरीके से धस गया था मेरे पापा मुझे देखकर हंसे जा रहे थे और मेरी सासे पर रुक गई थी मैं बहुत ज्यादा डर गया था तो उन्होंने बोला कि जब मैं वाई स्विमिंग पूल में गया तो कहीं ना कहीं वही अनप्लेजेंट मेमोरीज जो है वो जिंदा हो गई और मेरा बचपन का डर जाग उठा बट थोड़े ही टाइम में मैंने कॉन्फिडेंस गैदर किया क्योंकि मैं एक नए पेयर ऑफ विंग लाया था और उसके साथ साथ वहां पर आने वाले सारे लड़कों को देखकर और स्विमिंग करना सीख रहा था तो मैंने वहां पर आने वाले सारे लड़कों को कॉपी करना शुरू कर दिया था इससे मुझे पता चल गया था कि एग्जैक्टली exactly मुझे कैसे स्विम करना है धीरे धीरे मैं यू नो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने ही लगा था पानी के साथ काफी ईज में होने ही लगा था कि इतने में एक मिस एडवेंचर मेरे साथ हो गया बात यह है कि मैं एक दिन पूल गया था जब वहां पर और कोई नहीं था सारी मतलब दूर दूर तक सारी जगह जो थी वो शांत थी पानी भी स्टिल था और उसका टाइल्ड बॉटम तो इतना ज्यादा क्लीन और इतना सफेद था जैसे कि एक बाथटअप बच्चों जरा मुझे बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा लिटरी डिवाइस मौजूद है कौन सा लिट्री डिवाइस मौजूद है यहां पे सिमिली सिमिली जब कंपैरिजन करते हैं और लाइक like और एज की मदद से कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं यहाँ पे बात टब के साफ होने के और सफ़ेद होने के क्वालिटी को कंपेयर किया गया है पूल के साफ़ और सफ़ेद होने से सो तो इसीलिए सिमिली यहाँ पर होगा तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा टिमिट था मैं बहुत ही घबरा रहा था पानी में अकेला जाने के लिए इसीलिए मैं बाकी लोगों का इंतज़ार करने के लिए साइड में बैठ गया मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक तो बैठा नहीं था कि इतने में एक बिग ब्रूइज़र ऑफ अ बॉय आ गया बिग ब्रूइज़र का मतलब होता है एकदम बुली दिखने वाला तो एक बुली दिखने वाला बच्चा वहां पर आ गया वो लगभग 18 साल का रहा होगा अब यहाँ पर उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में डगलस ने बताया डगलस ने उसको फुल चेकआउट किया है तो डगलस कहता है के भाई देखो उसकी एकदम चेस्ट पे थिक हेयर थे वो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन था मतलब भगवान ने उसे फुर्सत में बनाया होगा उसके लेग्स उसके आर्म्स एकदम से रिपलिंग मसल्स शो कर रहे थे यूजुअली क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं दस ग्यारह साल के है ना ये दस ग्यारह साल के बच्चे बड़े बड़े भैयाओं से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं ओ भैया झिल जाते हो वाह आपके आर्म्स अच्छा आपकी मसल्स कैसी है

ठीक है रिपलिंग ऐसे निकलने वाली मसल्स तो बोला कि तू बता यार कैसे कैसे फेंक दो तुझे पूल के अंदर अभी तक डगलस उसकी खूबसूरती से ही बाहर नहीं आया था डगलस क्या रिप्लाई करता डगलस कहा भागता डगलस तो उसकी उसकी खूबसूरती में पागल हुआ हुआ है तो इतने में बस उसने कहा और कहकर उठाकर फेंक भी दिया डगलस को डगलस के रिफ्लेक्सेस ही काम नहीं कर रहे कोई रिफ्लेक्सेस काम नहीं किए उसके उसको उठाया और उठा फेंक दिया और फेंका भी तो डीप एंड में हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो डीप एंड था वो नाइन फीट डीप था दस ग्यारह साल का बच्चा इतनी गहराई में आराम से डूब सकता था तो यहां पर उसने उठाकर उसे डीप एंड पर फेंक दिया डगलस के रिफ्लेक्सेस इतने भी काम नहीं किए थे कि वो अपने पाओ तो खोल पाते वो ऐसे आराम से पाओ बांध बैठे हुए थे और उसी सिटिंग पोजिशन में डूब रहे थे सिटिंग पोजीशन में नीचे डूब रहे हैं चलो बढ़िया है। अब जाते जाते डूबते डूबते उन्होंने बहुत पानी सोलो कर लिया था और सीधा बॉटम की तरफ निकल पड़े अब इतने में उन्होंने बताया कि मैं बहुत डरा हुआ था बट नॉट इट फ्राइट एंड आउट ऑफ माई विट्स देखो मैं डरा हुआ तो बहुत था पर मैं इतना नहीं डरा था कि अपनी सुदबुद ही खोदू मतलब ऐसा भी नहीं था कि मेरे होश इतने चले जाएं कि मैं सुदबुद ही खोदू अपनी मैं जब नीचे जा रहा था तो मैंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया मैंने डिसाइड किया कि जब मेरे फीट बॉटम पे हिट करेंगे तो मैं एक बड़ा सा जंप मारूंगा सरफेस पे आ जाऊंगा और वहां पर आकर एकदम फ्लैट लाई करूंगा फिर पैडल करूंगा और पूल की एज तक पहुंचकर सेफ हो जाऊंगा तो यहां पर इसने ये पूरा प्लान बना लिया कि नीचे जाते ही मुझे जंप करना है। जंप करते ही मैं किसी एक यू नो हल्की सी चीज की तरह ऊपर तैरने लग जाऊंगा और वहां पर फिर मैं थोड़ा पैडल करूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और एज तक कोने तक पहुंच कर किसी चीज को पकड़कर सेफ हो जाऊंगा तो ये चीज उसने डिसाइड कर ली थी ये उसका प्लान था खबरदार जो कोई भी डगलस पे हंसा तो दस साल का बच्चा है साइंस वाइंस नहीं आती इसको अच्छा अब देखो अब वो इंतजार कर रहा है अपना प्लान तो वो तब सक्सेसफुल करवाएगा तब इम्प्लीमेंट करवाएगा जब वो नीचे जाएगा वो इंतजार कर रहा है कह रहा है यार ये नीचे क्यों नहीं जा रहा यार मैं <laughs> तो अब वो इंतजार करते करते उसको लग रहा है दोस नाइन फीट वो मोर लाइक नाइन बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वो रेडी टू बर्थ वो नाइन फीट थे कि नब्बे ये क्या हो रहा था मैं मैंने सोचा अब डूबूंगा डूबूंगा नीचे नीचे जाऊंगा जाऊंगा जा 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 तो हो गया था मेरे लंग्स ने डिसाइड कर लिया था कि बस भाई हम फूटने वाले हैं अभी तो ये क्या चल रहा था यार अच्छा अब डगल को नाइन फीट बोला ऐसे में कौन साइस मौजूद है जरा बताएंगे मैम कम से कम उसने इतनी बार ट्राई तो किया बस और क्या यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ के अंदर आपको ऐसा लगता है कि पहली बार में आपको सक्सेस मिल जाएगी कभी कभी ऐसा हो भी जाता है बट अगर नहीं होता है तो अगर आप हार मान जाते हो तो फिर क्या ही शिद्दत से ट्राई किया तो यहाँ पे डगलस ने एकदम फुल शिद्दत से ट्राई किया था बचने का और देखो इसीलिए लास्ट के अंदर पता चलेगा कि उसका हर्ष क्या हुआ सिमिली लग रहा है लिटरी डिवाइस बता दीजिए जल्दी से मेटाफर, सिमिली इस तरीके से इस तरीके से जवाब दोगे गलत जवाब दोगे तो कैसे चलेगा खूब पिटोगे तुम लोग बहुत पिटने वाले हो उनसे एनाफोरा कुछ भी बोल रहे हो हाइपोब्ली है यहाँ पे हाइपोब्ली मौजूद है यहाँ पे हाइपोब्ली मौजूद है जब कोई एक चीज को हम एक्सेजरेट करते हैं बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं उसको हम हाइपोब्ली कहते हैं नौ फीट ही थे नब्बे नहीं थे पर वो इतना ज्यादा गहरा था कि उसकी गहराई को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए उन्होंने नब्बे बोला है सो so, हाइपरब्ली मौजूद होगा यहाँ पे एनी anyway, चलो फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि जब मैं बॉटम पर हिट किया मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और एक बड़ा सा जंप मार दिया ऊपर की तरफ मुझे ऐसा लगा था कि मैं एकदम ऐसे पुटक करके ऊपर आ जाऊंगा एकदम कॉक की तरह तो बोला कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ऐसे करके मैं ऊपर चला जाऊंगा और पूल के सरफेस पे फ्लैट लाइक करूंगा जैसे कि एक हल्का सा कॉक करता है राइट तो exactly एक्जैक्टली ऐसा है ना तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगा बट मैं तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था अरे मैंने जब अपनी आंखें देख खोली तो मुझे कुछ नहीं दिखा सिवाय पानी के पानी जिसपे डर्टी येलो कलर था पानी जिसमें डर्टी येलो कलर था अब ये पानी में डर्टी येलो कलर इसके लिए उन्हें दिख रहा था क्योंकि जब वो नीचे से ऊपर देख रहे थे तो जो सनलाइट है वो सनलाइट जब अंदर गिर रही थी तो नीचे से ऊपर देखते वक्त वो पूरा का पूरा पानी का कलर उन्हें येलो दिख रहा था तो बोला कि मैं पानी को देख रहा था आ, उछलना रिंकी मैं पानी को देख रहा था और मुझे लग रहा था जैसे इतना डर्टी येलो वाटर जो है इससे मैं कब निकलूंगा मुझे बहुत बहुत टेंशन होने लग गई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई रस्सी पकड़ लूं मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ तो कुछ तो मेरे हाथ में आ जाए जिससे मैं बच जाऊं पर मेरे हाथ में सिर्फ पानी आया अब मैं सफोकेट होने लग गया था मेरा दम घुटने लग गया था ठीक है मैंने बहुत चिल्लाने का सोचा पर कोई आवाज़ बाहर नहीं आई फिर मेरी आंखें और नाक बाहर आई पर मेरा मुंह अभी भी अंदर था यानी उनकी इतनी इतनी बॉडी बाहर आ चुकी थी पानी से और अभी भी सारी बॉडी नीचे जो थी वो पानी के अंदर ही थी ठीक है ऐसा था आगे देखो फिर क्या हुआ <coughs> मैंने सरफेस पे फ्लेल किया फ्लेल का मतलब होता है इस तरीके से वेव करना तो मैंने सरफेस पे फ्लेल किया पानी को मैं सोलो करे जा रहा था पानी मेरे गले में अटके जा रहा था मैंने अपने पाओ को ऊपर लाने का सोचा पर ये पाओ मेरे ऐसे थे जैसे कि डेड वेट्स हो मानो जैसे पैरालाइज हो गए हो जम गए हो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो था जो मुझे नीचे की ओर खींच रहा था मैं बहुत चिल्लाया पर पानी ने ही मेरी आवाज सुनी फिर से मैं वापस डूबने लग गया था पूल के तरफ मेरी जर्नी जो है पूल पे पूल में जाने की शुरू हो गई थी। आई the द as एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग strength स्ट्रेंथ one इन द nightmare fights and irresistible फोर्स आपको पता है अगर आप कोई बुरा सपना देखते हो तो उस बुरे सपने के अंदर आप अपनी जी जान लगा देते हो आप अपनी जी जान लगा देते हो और उस सपने से निकलने के लिए तो आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ होती है ना वो स्ट्रेंथ का कोई जवाब ही नहीं होता तो बोला एग्जैक्टली exactly ऐसा ही हो रहा था मैं पानी में फंस गया था जब मैं नीचे जा रहा था ना तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए देखा <coughs> मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जो मेरी मेरी स्ट्रेंथ मैंने प्रिपेयर कर रखी थी एक नाइट मेयर के लिए कि मैं इसे फाइट करूंगा वैसे घटते हुए देखा ठीक है ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे सामने अब यू नो एक बहुत ही बड़ा बुरा सपना है मुझे यहाँ पर अपना हंड्रेड परसेंट देना है पर मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे नहीं पा रहा हूँ मैं धीरे 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 अपनी ताकत को खोए जा रहा था मैं धीरे धीरे अपनी सांस को खोए जा रहा था मेरे लंग्स एक करने लग गए थे मेरा सर दुखने लग गया था मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बेहोश हो जाऊंगा पर इसी बीच मुझे स्ट्रैटेजी याद आई और स्ट्रैटेजी ये थी कि जैसे ही मैं पूल में नीचे जाऊंगा बॉटम को टच करूंगा मैं जोर से छलांग मारूंगा सरफेस पे फ्लैट लाई करूंगा पैडल करूंगा पूल के एज तक पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा बस यही स्ट्रैटेजी मैंने याद रखी और मैं अपने अंदर हिम्मत बनाए रखा मैं नीचे ही जा रहा था ही जा रहा था और फिर जब मैंने आंखें खोली तो मुझे पानी में उस येलो ग्लो के सिवाय कुछ नहीं दिखा मुझे सिर्फ और सिर्फ वो श्यर स्टार्क टेरर दिख रहा था जिसने मुझे जकड़ रखा था ऐसा टेरर ऐसा डर जिसको कुछ समझ नहीं आता ऐसा टेरर जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ऐसा टेरर जिसे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि कोई उसे नहीं समझ सकता जिसने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया हो। मैं चीख रहा था मैं चिल्ला रहा था पानी के अंदर पर मैं मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो चुका था मेरी बॉडी स्टिफ हो गई थी जम गई थी डर के मारे अब तो मेरे गले को भी मेरे गले के अंदर जो चीखे थी वो भी जम गई थी मेरा गला भी बैठ गया था चिल्ला चिल्ला के सिर्फ मेरा दिल और मेरा दिमाग में होती हुई पाउंडिंग वो जो धड़कन मुझे महसूस हो रही थी दिल और दिमाग में वो धड़कन मुझे बार बार ये बता रही थी कि मैं जिंदा हूं अदरवाइज बिल्कुल भी एक चांस भी नहीं था मेरी बॉडी की मुझे मेरी बॉडी मेरी फील हो रही हो कि मैं ये फील कर पा रहा हूं कि हाँ कि मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि हाँ मैं जिंदा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल और दिमाग में जो धड़कन थी वो मुझे ये महसूस करवा रही थी फिर क्या? फिर क्या इस खौफ के बीच में मुझे एक रास्ता मिला मुझे याद आया कि बॉटम पे पहुंचते ही मुझे जंप करना है जैसे ही मैंने अपने पाँव के नीचे टाइल्स को महसूस किया तो मैंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कुछ ऐसे किया जैसे मैं उन टाइल्स को पकड़ लेना चाहता हूं और फिर मैंने जंप लगाया मेरे अंदर जितनी भी बची कुची ताकत थी उसके साथ ठीक है तो मैंने ज, जितनी भी बची कुची ताकत थी उसके साथ में एक जोर से जंप मारा ठीक है अब वो अफकोर्स उसको लग रहा था कि अब जब वो जंप मारेगा फिर वो ऊपर चला जाएगा और अफकोर्स उसकी स्ट्रेटजी काम कर जाएगी बट जंप से कुछ भी नहीं हुआ अभी भी पानी जो है वो आसपास ही था मैंने सब ढूंढा यार मुझे रोप्स मिल जाती लैडर्स मिल जाती अरे वॉटर विंग्स वॉटर विंग्स तो अभी खरीद के लाया था मैं वॉटर विंग्स मिल जाते पर कुछ नहीं मिला सिवाय पानी के येलो पानी जो पूरी तरीके से मुझे जकड़ चुका था ये एक स्टार्क टेरर था एक बहुत ही खतरनाक खौफ था इस खौफ ने मुझे और तेजी से जकड़ लिया था मानो जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो जैसे बिजली का झटका होता है ना कि जिससे आप अपने आप को छुड़वाना चाहते हो पर आप छुड़वा नहीं पा रहे होते हो एक्जैक्टली exactly वैसे ही इस खौफ ने मुझे जकड़ लिया था क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा लिटरी डिवाइस है हाय गुनगुन हाई वॉटअप ओके यहां पर भी सिमिली मौजूद होगा जब कंपैरिजन करते हैं लाइक और आज की मदद से तो सिमिली होता है उन्होंने अपने डर को इलेक्ट्रिक करंट से कंपेयर किया है मैं कप कब आया मैं बहुत बहुत रोया उसके बाद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी नहीं कर रही थी, मेरे लेग्स मूव नहीं कर रहे थे अरे मैं हेल्प के लिए बुलावा भेज रहा था मदद म, मदद मांग रहा था कि यार कोई मेरी मदद कर दो मदद कर दो मैं मम्मी को आवाजें लगा रहा था पर कुछ नहीं हुआ और फिर मुझे लाइट दिखी मैं उस गंदे से येलो पानी से बाहर आ रहा था कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी मेरा नाक भी अब ऑलमोस्ट बाहर था अब मैं इतना वापस से ऊपर आ गया था और अभी भी मेरी बॉडी नीचे थी मैंने खूब कोशिश की बॉडी को ऊपर लाने की पर कुछ नहीं हुआ मैं तीसरी बार डूब रहा था सो आई देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम मैं जब पानी मैं जब मैं जब सांस लेने के लिए सक करता तो मुझे पानी मिलता मुझे सांस चाहिए थी पर मैं सांस नहीं ले पा रहा था वो येलोइश लाइट भी अब जा रही थी धीरे धीरे मुझे लग रहा था जैसे मेरे सारे एफर्ट्स जो है वो नाकाम हो रहे हैं फिर मैंने रिलैक्स किया मेरे पाव जो है वो एकदम लिंब की तरह हो गए थे बेजान हो गए थे मेरे दिमाग पे एक, एक, एक ब्लैकनेस आ गई थी अंधेरा आ गया था उस ब्लैकनेस की वजह से न जाने कैसे पर मेरा डर जा चुका था मेरे अंदर वो जो खौफ था वो जा चुका था <coughs> अब मेरे अंदर कोई भी पैनिक नहीं था ये सब कुछ बहुत ही शांत बहुत ही पीसफुल था अब डरने की कोई बात नहीं थी मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छा है अच्छा है ड्राउजी होना सोने चले जाना ना जंप करने की जरूरत है के लिए थक गया था मैं अच्छा लग रहा था बस इसी तरीके से बहते जाना इसी तरीके से फेस जो स्पेस है उसकी अंदर खिचे चले जाना ऐसा लग रहा था कि मेरे अराउंड कुछ कोमल हाथ हैं एक ऐसी झप्पी महसूस हो रही थी जैसे कि मम्मी की होती है ऐसा लग रहा था मैं मम्मी की गोद में हूं और अब मुझे सो जाना चाहिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डगलस जो है अनकॉन्शियस हो गए थे ठीक है तो डगलस यहाँ पर अनकॉन्शियस हो गए थे इस वजह से यह पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वॉटर तो क्लीन था ना पहले वॉटर अभी भी क्लीन है वॉटर अभी भी क्लीन है अः आप जब पानी के अंदर हो और पानी के अंदर से जब आप बाहर देखोगे सूरज की ओर और सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो अंदर से ऊपर देखने पर वॉटर अभी आपको येल्लो दिखेगा ठीक है ऑल राइट right, अब क्या आई क्रॉस टू ऑब्लीवियन द कर्टन ऑफ लाइफ बोला मैं ओबलीवियन यानी कि मैं बेहोश हो गया था मानो जिंदगी के पर्दे गिर गए हैं ऐसा इसके लिए है क्योंकि हम कितनी बार जिंदगी को एक नाटक से कंपेयर करते हैं हम कितनी बार जिंदगी को एक ड्रामा से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि हम सब अपना रोल यहाँ पर प्ले करने आए हैं जिस दिन हमारा रोल कंप्लीट हो जाएगा चले जाएंगे तो ऐसा ही उन्होंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए बोला है कि मेरे लिए मेरी जिंदगी का ये जो ड्रामा था मेरी जिंदगी के जो पर्दे थे वो गिर गए थे मैं मर गया था अफकोर्स उन्हें उस वक्त ऐसा ही लग रहा था पर देन उनके बाद उसके बाद वो बताते हैं उसके बाद मुझे कुछ ही याद नहीं है मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं पूल के के साइड में पेट के बल लेटा हुआ कर रहा था मैं यहाँ पर पेट के बल एकदम उल्टा लेटा हुआ था और वॉमिटिंग कर रहा था वो इंसान जिसने मुझे फेंका था वो कहता है अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था और दूसरा इंसान वहां पर खड़ा हुआ कह रहा था मजाक कर रहा था ये बच्चा मर गया था ऑलमोस्ट और तेरे को मजाक सूझाए ये बच्चा मर गया था अब चल इसको लेकर चलते हैं लॉकर पे तो लॉकर रूम के अंदर उसको लेकर गए वो लोग अब यहाँ पे उन लोगों का काम शायद खत्म हो फेंका था अठारह साल का बच्चा उसने शायद वहां पर माफी भी मांग ली होगी पर डगलस के लिए ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो था वो लाइफ चेंजिंग बन गया ना यार डगलस तो मर जाता ऑलमोस्ट वहां पर अगर वो इंसान वहां नहीं आता और उसे नहीं बचाता Douglas इस बात से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था उसको उसको पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं कैसे इस खौफ से बाहर निकलूं इस इंसिडेंट से बाहर निकलूं उसे बाहर निकलने के लिए न जाने कितने घंटे लग गए और जब वो वो घर गया तो वो बहुत ही वीक था वो कप कप आ रहा था वो बहुत कापा बहुत रोया अपने बेड पर लेट के उस रात तो वो खाना भी नहीं खा पाया था और न जाने कितने दिनों तक वो खौफ उसके दिल में था अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर प्रेशर आता तो उसके नींस काम करना बंद कर जाते और उसका पेट खराब हो जाता कहने का मतलब है कि इस पूरे इंसिडेंट से डगलस के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था डगलस मेंटली भी बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज़ था और वो फिजिकली भी सफर कर रहा था थोड़े से एक्सरसाइज़ में उसको उसके पाव स्टिफ महसूस होते ऐसा लगता जैसे वो पैरालाइज हो गए हैं ऐसा महसूस होता है जैसे वो चल नहीं पाएंगे उसका पेट खराब होने लग जाता इनफैक्ट वो इतना ज्यादा डरता कि वो खूब रोता खूब चिल्लाता तो मेंटली और फिजिकली डगलस सफर करने लगा था पूल में उसके बाद वो कभी नहीं गया उसने बोला कि मुझे पानी से डर लगने लग गया मैं पानी को अवॉइड करने लगा जब जब कर सकता था फिर कुछ सालों बाद मुझे पता चला वॉटरफॉल्स के बारे में और मैं भी उन वॉटरफॉल्स में जाना चाहता था पर जब भी मैं पानी में जाने की कोशिश करता चाहे मैंने टाइटन में जाकर वेडिंग की हो या फिर बम्पिंग रिवर में बेडिंग की हो वॉम लेक में बेडिंग करी हो ठीक है गो, गोटरॉक्स के तो बोला मैं कहीं पर भी जाता तो वो जो डर है वो डर पूरी तरीके से मुझे कर लेता ठीक है वो डर जो मेरे को महसूस हुआ था पूल में वो डर वापस आ जाता और मुझे पूरी तरीके से जकड़ लेता मेरे पाव काम करना बंद कर जाते और फिर से पेरालाइज हो जाते वो आईसी हॉरर वो दिल दहला देने वाला डर जो है वो मुझे पूरी तरीके से जकड़ लेता मैम इसमें डगलस की मम्मी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है क्या डगलस की मम्मी के ऊपर तो नहीं आ सकता है क्योंकि उनका जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है सिवाय एक दो बार के जब डगलस ने उन्हें याद किया है आ, एक बार तब जब वो आ, उन्हें बार बार आ, यू नो बताती रहती थी कि याकिमा रिवर कितनी डेंजरस है तो वो है अदरवाइज तो आ, उनका यहाँ पर कुछ खास रोल नहीं है अच्छा ये मैटर भी जरूर यहाँ पर करता है कि डगलस जो है वो इस इस पूरे फाइट के अंदर अपने आप को हमें दिखा रहे हैं कि हाउ ही फाइटिंग अलोन तो हमें यहाँ पर उन्होंने जब अपनी फाइट फाइट बताई है कि कैसे वो डर डर को फेस कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया है कि उनकी मम्मी उनके साथ थी या कुछ तो उस उसपे अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए अदरवाइज नहीं बनता है मैम पोजेशन का मतलब क्या होता है जो आपका होता है जो आ, ये फोन मेरा है इस फोन को मैं प्रोजेस करती हूँ जिसे आप यूज कर सकते हो दैट इज योर पजेशन ओके अब ये जो हैंडी कैप था ये हैंडी मेरे साथ में रहा जैसे जैसे साल गुजरते गए हैंडी उन्होंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि कोई भी चीज जो आपसे आपकी फ्रीडम छीन ले कोई भी चीज जो आपको कुछ करने से रोके वो किसी हैंडी से कम तो नहीं है उनके लिए ये पूरा इंसिडेंट किसी हैंडी से कम नहीं था वो यहां पे कनोज की बात कर रहे हैं कि कैसे कनोज जो है मीन लेक्स के अंदर वो फिशिंग करना चाहते थे लैंडलॉक सा, लिए बैस की फिशिंग करना चाहते थे न्यू हम्पायर में ट्राउट फिशिंग करना चाहते थे डेशूट्स में ठीक है तो वो यहाँ पर आ, आ, फिशिंग करना चाहते थे वेरियस आ, फिशेस की बट वो नहीं जा पा रहे थे वो कोलंबिया में फिशिंग करना चाहते थे सैमन की वो बम्पिंग लेक में जाना चाहते थे कैसकेट्स के बट जब भी वो इन पानी के आसपास भी जाते एक बहुत ही गहरा डर जो है उन्हें पूरी तरीके से जकड़ लेता इस पूरे डर ने इस पूरे हैंडीकैप ने उनकी फिशिंग ट्रिप्स को खराब कर दिया था उन्हें वंचित कर दिया था उस जॉय से उस खुशी से जो उन्हें मिल सकती थी कैनोज में जाके बोटिंग करके स्विमिंग करके वो कितनी भी कोशिश कर लेते पर जब भी वो पानी के पास जाते सारे दोस्त उन्हें कहते रहे अरे चलो यार फिशिंग करने चलते हैं अरे चलो यार बोटिंग करने चलते हैं पर वो जितनी बार भी पानी में जाते उतनी बार वो आ, उस डर को पाते उस डर थे वो नहीं निकल पा रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने हर वे यूज कर लिया जो भी मुझे पता था इस, इस डर से बाहर निकलने का जो भी तरीका था मैंने सब किया पर यह डर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था बच्चों ये वो पॉइंट था जब डगलस ने दो राय में से एक रहा चुनी बच्चों आपको ये वाटर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे तो उन्होंने ये दो राह में से एक राह चुनी देखो बच्चों जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं पहला या तो हम उसे डर के उससे डर के दुबक के उसको जीवन में एक डर की तरह रख के हैंडीकैप के साथ जिए नहीं यार मुझे इस चीज से डर लगता है और ये सोचकर हम जिए ठीक है दूसरा रास्ता होता है कि हम उसका सामना करें हम उस डर को अपने आप को कंट्रोल ना करने दें उससे हैंडीकैप ना बनने दें। होती है बेटा। तो यहां पर ऐसा ही था डगलस के पास भी ऐसा ही था कि या तो वो पानी के इस हैंडीकैप को जीवन में एक्सेप्ट कर सकता था और ये सोच सकता था कि यार अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता अब तो मैं कभी भी जीवन के अंदर पानी के आसपास भी नहीं जा सकता और नहीं जाऊंगा और या फिर वो इसे फाइट कर सकता था और अपने आप को फ्री कर सकता था इस डर से डगलस ने दूसरा ऑप्शन चूज किया एक अक्टूबर उसने डिसाइड किया एक इंस्ट्रक्टर को लाके स्विमिंग सीखने का वो पूल पे जाकर प्रैक्टिस करने लगा एक हफ्ते में पांच दिन और हर रोज वो प्रैक्टिस करता उस इंस्ट्रक्टर ने उसके अराउंड एक बेल्ट डाल दी थी उस बेल्ट पे एक रोप को अटैच कर दिया था उस बेल्ट पे एक को अटैच कर दिया था जो कि पुलिस से होकर उसके हाथ पर जाती थी। कुछ इस प्रकार जैसे यहां डगलस है तो डगलस के वेस्ट पे एक बेल्ट लगाया उससे एक रोप को अटैच किया जो कि एक पुलिस से होकर और इंस्ट्रक्टर के हाथ में जाती थी अब इंस्ट्रक्टर क्या करता था इस रोप को इस रोप को जब पुल करता था तो डगलस ऊपर आ जाते थे जब रिलीज करता था तो डगलस नीचे चले जाते थे इसे जैसे मूव वो करता वैसे ही डगलस पानी के साथ में यू नो मीट करते तो बस वो यही करता रहा वो यू नो बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ करता रहा घंटों के बाद घंटे दिन के बाद दिन हफ्तों के बाद हफ्ते जितनी बार भी डगलस पानी के पास जाते वो पैनिक उन्हें जकड़ लेता हर बार इंस्ट्रक्टर जब अपना होल्ड रिलैक्स करता और उस उस रस्सी को छोड़ता और मैं पानी के अंदर जाता वो पुराना डर वापस आ जाता और मेरे पाँव जम जाते मुझे तीन महीने लग गए थे मुझे तीन महीने लग गए थे इस डर से अपना छुटकारा पाने के लिए उसके बाद में उन्होंने मुझे यू नो करना यानी सांस लेना सिखाया उन्होंने मेरे फेस को पानी के अंदर डालकर एक्सेल करना और मेरी नाक को बाहर निकाल कर इनहेल करना सिखाया मैंने ये एक्सरसाइज हंड्रेड ऑफ टाइम करी है और हर बार थोड़ा थोड़ा करके पैनिक मेरे बॉडी से निकलने लगा उसके बाद उन्होंने मुझे पूल के साइड में होल्ड किया और मुझसे बहुत बार पाओ करवाए पहले पहले तो मेरे पाओ जो है वो काम ही नहीं कर रहे थे पानी में पर धीरे धीरे वो रिलैक्स करने लगे और मैं मेरे पाओ को कमांड करने लगा और ऐसे ही उसने पीस बाय पीस मुझे स्विमर बना दिया जब उसने हर एक पीस को परफेक्ट कर दिया था तो वो मुझे पूरी तरीके से स्विमिंग सिखाने लगा अक्टूबर में मैंने स्विमिंग सीखना शुरू किया था और अब अप्रैल हो गया था अप्रैल में उसने मुझे कहा, नाउ यू कैन स्विम डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक बोला तू कुछ भी कर सकता है तू स्विम कर सकता है डाइव मार सकता है क्रॉल कर सब कर सकता है तू सकता था इंस्ट्रक्टर का काम यहीं पर खत्म हो गया था ठीक है इंस्ट्रक्टर का काम यहीं पे खत्म हो गया था बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड पर मेरा काम यहां पर खत्म नहीं हुआ था मुझे अभी भी ये ख्याल आता था कि क्या हो अगर मैं पूल में अकेला जाऊं क्या डर वापस आएगा तो मैंने ट्राई कर लिया मैंने स्विम किया पूल की लेंथ को और जब मैं पानी के अंदर था तो टाइनी वेस्टेजेस वेस्टेजेस का मतलब होता है झलकियां तो बोला कि छोटी छोटी हिंट्स छोटी छोटी झलकियां जो पुराने डर की थी वो वापस आई थी पर क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं स्विम कर सकता हूं तो मैंने उनकी तरफ अपनी ब्राउज को चढ़ाकर फ्राउन किया और बोला ट्राइंग टू स्केयर मी आर टू यू लुक डराना चाहते हो मुझे हाँ ये देखो और फिर मैंने स्विम कर दिया तो बोला अब मैंने इस डर को एक्सेप्ट कर लिया था और जब मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका था नो मेरी जिंदगी का हिस्सा जिसे मैं कॉन्कर कर कर चुका हूं तो अब ये मुझे नहीं डराता था डर वापस तो आता था पर मैं उसका सामने कर सामना करना करने लग गया था जुलाई तक बस मैंने यही किया पर अभी भी मैं सैटिस्फाइड नहीं था मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी पूरी तरीके से डर नहीं गया है और इसीलिए मैं लेक वेंटवर्थ गया जो कि न्यू हेम्पायर में स्थित है मैं वहां पर जाकर डाइव किया ट्रिग्स आइलैंड में मैंने दो माइल तक स्विम किया स्टैम्पैक्ट आइलैंड में ठीक है ये याद रखने नाम मैंने क्रॉल uh, किया ब्रेस्ट स्ट्रोक किया साइड स्ट्रोक किया बैक स्ट्रोक किया सिर्फ एक बार टेरर वापस आया था और वो तब था जब मैं लेक के बीचों बीच था मैंने जब नीचे कुछ भी नहीं देखा बॉटमलेस वाटर के अलावा तब वो पानी वापस आया था वो छोटी सी सेंसे वो सेंसेशन छोटे रूप में ही सही पर वापस आई थी और मैंने कहा वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी मैंने बोला ओह मिस्टर टेरर क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो क्या बिगाड़ के अभी भी मेरे दिमाग में कुछ बचे कुछ डाउट्स थे और इसीलिए जैसे ही मुझे मेरी पहली अपॉर्चुनिटी मिली मैं वेस्ट की तरफ चला गया मैं टाइटन में गया कॉन्ड मीडोज में वहां पर मैंने कैंप किया वॉम लेक के पास में अगली मॉर्निंग मैं उठा मैंने डाइव किया लेक में और उसके दूसरे यू नो छोर तक यानी किनारे तक में गया और मैं वापस आया अरे जैसे फेमस स्विमर किया करते थे जब मैं ये कर पाया तो मैं बहुत चिल्लाया खुशी से और मैं गिलबर्ट पीक से घिरा हुआ था तो गिलबर्ट पीक ने एको क्रिएट किया मैं अपने पानी के डर को जीत चुका था मैं अपने पानी के डर को हरा चुका था तो उन्होंने बोला कि यार ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है ना ये जो एक्सपीरियंस है इस एक्सपीरियंस का मेरे दिल में एक बहुत ही गहरा महत्व है और ये वही समझ सकता है जिसने कभी इतने करीब से डर को देखा हो और उस डर को यू नो कॉन्कर किया हो जीता हो एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं और वो बात ये है कि डेथ के अंदर तो पीस है अगर डर है तो सिर्फ और सिर्फ डेथ के डर में है जैसे कि रूजवेल्ट कहा करते थे दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ क्योंकि मैंने तो वो डर जो मौत प्रोड्यूस कर सकती है उस डर का सामना किया था मैंने सामना किया था मौत का और क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इसको देखा था इस सेंसेशन को देखा था यकीन मानो मेरे जीने की इच्छा तेजी से बढ़ गई थी आखिर में मुझे रिलीज फील हुआ आजाद फील हुआ अब मैं कुछ भी कर सकता था मैं क्लाइम कर सकता था मैं कैंप कर सकता था मैं किन्नी भी ट्रैक्स पे जा सकता था कोई भी ट्रेल्स पे जा सकता था अब मैं आजाद था और इसके साथ आपका चैप्टर डीप वॉटर एनसीआर टी हाईलाइट कंप्लीट हो गया ये चैप्टर हमें बताता है कि डिटर्मिनेशन से आप हर एक हर एक बड़े से बड़े डर को हरा सकते हो अगर आप ठान लो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते आप मौत के सामने भी हंसते हंसते खड़े हो सकते हो सो दैट्स इट बच्चों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं दैट <coughs> आप ये जितने भी एन टी हाईलाइट ये जो पी है ये पी आपको टेलीग्राम और कम्युनिटी पे मिल जाएगा तो इनकेस आपने मेरे साथ अंडरलाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा तो पहली बात तो ये हो गई दूसरी बात मैं ये भी बता देती हूँ कि जितने भी बच्चे क्रैश कोर्स के लिए पूछ रहे थे संकल्प इंग्लिश जो है वो अवेलेबल है जो भी बच्चे अगर एक क्लोज इन्वायरमेंट में लाइव क्लासेस के साथ में पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे मॉक पेपर्स ई बुक्स भी अवेलेबल है तो अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक बैच भी लेकर आया है बिल्कुल YouTube पे सारी चीजें मैंने आपके लिए अवेलेबल कराई है अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेरे साथ पढ़िए बट अगर आप बैच ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो संकल्प इंग्लिश का लिंक जो है मैंने ऊपर पिन करवा दिया है उसमें आपके लिए जो प्राइस है वो है 499 499 के लिए आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं मैं इंग्लिश पढ़ सकते हैं और लिमिटेड uh, सीट्स है तो आप अभी भी एडमिशन करवा सकते हैं और एक महीना हम लिट लिटरेचर uh, पढ़ने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ने वाले हैं राइटिंग स्किल्स करने वाले हैं आपको मॉक पेपर्स यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पे मिलने वाले हैं इन एडिशन टू दैट आपको uh, यहाँ पर ई e बुक्स भी मिलने वाली है सो so, फोर जो है ये हमारा स्पेशल प्राइस है और uh, इसमें आप अपने आर्मी का कोड लगा सकते हैं एस डी जिसकी मदद से आपको ये प्राइस मिल जाएगा ठीक है तो जस्ट इन केस इफ यूर लुकिंग फॉर अ बैच दिस इज द बैच फॉर यू अगर आप YouTube पे प्ले लिस्ट ढूंढ रहे हैं तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाओ मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपके लिए ये वाली सारी प्लेलिस्ट बना है। मेरी जान ये वाली सारी प्ले लिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे आपसे लूटली फ्री है वन शॉट्स हैं एक्सट्रैक्ट बेस के पी क्यूज बना रखे हैं आंसर राइटिंग बना रखा है टेन डेज प्लेज में पूरा सिलेबस करवा रखा है टॉपर सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र के अंदर सैम्पल पेपर करा रही हूं जुनून में एनसीईआरटी हाइलाइट्स हाईलाइट चल चली रहे और एक सीरीज में और लेकर आ रही हूँ ठीक है तो आपको यहां पर भी ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी है ना तो जस्ट चूज कि आपको कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है वॉट एवर सेल्स योर बोट जो भी आपको मदद करता है इंग्लिश पढ़ने के लिए वो सेलेक्ट करो पर पढ़ना शुरू करो अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है ठीक है मेरे को दुख दुख होने लग गया है अब आपको तो मेरे ख्याल से शुरू कर ही देना चाहिए अच्छा इसके साथ में इसके आने वाले क्वेश्चन बताती हूँ एक मिनट रुको

कुछ सालों के अंदर 2014 तक की मैं बात कर रही हूं 25 क्वेश्चंस आए हैं डीप वाटर में से पच्चीस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सीबीएसई क्वेश्चन की अगर हम बात करें छोटे बड़े क्वेश्चन सारे मिला लें तो पच्चीस क्वेश्चन 2014 लगभग 10 साल के पेपर्स अगर हम उठाते हैं तो पच्चीस क्वेश्चन तो अकेले डीप वाटर के तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से पता होगा

ठीक है जब सेंसरी डिटेल्स आपको मिलती है तो आप फील कर पाते हो कैरेक्टर के साथ में रेजोनेट कर पाते हो एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन ऑल वी हैव टू फियर फियर हमको अगर डरना है तो डर से डरना है कहने का मतलब है अगर हराना ही है तो डर को हराओ। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इन टू अमर पीस बाय पीस ठीक है तो आपको बताना है बेल्ट के बारे में कि कैसे पुलिस से ज्वाइन किया हुआ था हंड्रेड ऑफ टाइम इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज बताओगे और वो जो उन्होंने पूल के साइड में उन्हें होल्ड करके किक करवाया था वो बताना है वॉट क्वालिटीज टर्न डिफरेंट डगलस इन टू अ गुड स्विमर एक्चुअली डगलस के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी जो उसके लिए काम करी वो थी उसकी डिटर्मिनेशन और उसकी विल अगर डगलस के अंदर विल और डिटर्मिनेशन नहीं होता तो वो कभी भी एक अच्छा स्विमर बन ही नहीं पाता Why did Douglas fail to come to the surface of the pool as he hoped to? Because उसे उसकी body काम नहीं कर रही थी उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि great force था जो उसे नीचे की तरफ खींचे जा रहा था उसकी body, उसके arms, उसके legs एकदम freeze हो चुके थे और वो चाकर भी उन्हें move नहीं कर पा रहा था अगर कोई एक ऐसी चीज थी जो उसे ये आ, महसूस करा रही थी कि वो जिंदा है तो उसकी धड़कन थी दैट सेट

तो डगलस को एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस जो आई पूल पे देखने को मिला वो था वो मिस एडवेंचर जिस मिस एडवेंचर में एक अट्ठारह साल का बुली बच्चा आया और आकर उन्हें डीप वाला जो एंड था वहां पर फेंक दिया वो बहुत कोशिश करे पर वो बाहर नहीं निकल पाए और फिर लोगों ने उन्हें बाहर निकाला ऑल वीव टू फीवर इज फीय इट कर चुके हैं हाउ डिड इज एक्सपीरियंस एट वाई एम सी ए पूलस हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं अब हम डिस्कस कर चुके हैं जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इस पूरे इंसिडेंट का इम्पैक्ट जो है डगलस पे मेंटली और फिजिकली दोनों आया था वो मेंटली भी ट्रामाटाइज थे और वो फिजिकली भी ट्रामाटाइज थे इसके बाद में हाउ डिड द फीलिंग ऑफ टेरर रिटर्न टू डगल एट लेक वेंट टर्ड्स यार जब वो एकदम लेक के बीचों बीच थे तो फिर से वो डर वापस आया बिकॉज वो बॉटमलेस दिख रहा था बट यू नो उन्होंने रिएक्ट ऐसे किया कि ठीक है यार अगर ये डर है तो इसका मैं सामना करूंगा और उसका वो सामना कर दिए उन, उन्होंने उन्होंने बात की डगल टेरर uh, 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 से और बोला क्या बिगाड़ ले गया यार तू मेरा और वो सीधा चले गए वॉट डीप मीनिंग डिड हिज एक्सपीरियंस एट वाई एम सी एस स्विमिंग पूल है उन्होंने बोला इतना डीप मीनिंग है इस पूरे किस्से का मेरे अंदर क्योंकि मैंने इसको फील किया है मैंने उसके टेरर को फील किया है और मैंने उससे बाहर निकलने की जर्नी देखी है और ये वही समझ सकता है जिसने सेम डर जो है वो अंदर फील किया हो, और उसको कौन कर किया हाउ डिड डगल रिमूवी डाउट अबाउट इज फियर ऑफ वॉटर यार अप्रैल में खत्म हो गया था उनका यू नो इंस्ट्रक्टर का जो भी उन्हें पढ़ाना था वो और अप्रैल में खत्म होने के बाद में भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरे को अभी भी दिमाग के अंदर डाउट है तो जुलाई तक तो, तो हटाए अपने दिमाग से और वॉर्म लेक में जाकर उन्हें विक्ट्री फील हुई उन्हें लगा चलो यार अब तो मैंने इसे कॉन कर लिया अब कोई डर नहीं है इसकी पीवाई डोंट वरी मैं आपको लिटरी डिवाइसेस करवा दूंगी ये वाली पीडीएफ और पी वाई क्यूज की पीडीएफ डी आई सेंड ठीक है तो आज की क्लास जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मैं अब जा रही हूँ पेड क्लास के अंदर आप लोग यहाँ पर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा ऑल राइट चेकआउट कीजिएगा एक बार बैच का लिंक एक बार खोल के देखो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली exactly क्या क्या उसके अंदर है और मैं आपसे मिलूंगी कल है ना एक नए चैप्टर के साथ में Okay chalo see you bye bye take care sayonara love you